नमस्कार, मैं ऋषा आप सभी का स्वागत करती हूँ doctors.com इस शो में, जहाँ पे हम समय समय पर डॉक्टर से, एक्सपर्टाइज डॉक्टर से बात करते हैं और जो हमें जितनी भी बीमारियां होती है उनके बारे में अधिक जानकारी साझा करते हैं। और ऐसे ही HCG कैंसर हॉस्पिटल से भी हम समय समय पर वहाँ से डॉक्टर्स आते हैं, जिनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, जिस दौरान वो जितने भी कैंसर से जुड़ी जितने भी संबंधी बीमारियां हैं उससे जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है या फिर भ्रम है लोगों में, उसका निवारण करते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ है HCG कैंसर हॉस्पिटल से डॉक्टर निखिल पांडे सर। सर मेडिकल कंसल्टेंट ऑक्यूलॉजिस्ट है और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे doctors.com इस शो में। जिस तरीके से मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आपके बारे में हमारे दर्शकों को पता चले, इसलिए मेरा पहला सवाल आप ही से जुड़ा होगा कि सर आप में जितने भी अब तक मेडिकल में उपलब्धियां हासिल की है, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। मैडम, मैं एक कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ HCG हॉस्पिटल में। मेडिकल ऑन्कोलॉजी बनने से पहले फर्स्ट स्टेप होता है MBBS। MBBS के बाद MD मेडिसिन या MD रेडिएशन करना पड़ता है, जिसमें मेरा MD मेडिसिन हुआ है। उसके बाद मैंने टाटा हॉस्पिटल से DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी किया है। DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी करने के बाद अभी मैं इस फील्ड में 4 साल से कार्यरत हूँ। धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छी बात है ये। आज हम कैंसर इस विषय पे बात करने वाले, चर्चा करने वाले, और जिस तरीके से दर्शकों को पता है कि कैंसर के बारे में बहुत से भ्रम है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे लोगों को डर लगता है कैंसर से, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो इसका निजात पाना बहुत ही मुश्किल है और इससे लड़ना भी बहुत ही मुश्किल है। तो सर आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि कैंसर आखिरकार है क्या? मैडम, कैंसर मतलब हमारे शरीर में किसी चीज़ की जिसकी ज़रूरत ना हो उस चीज़ की बढ़ोतरी होना। मतलब जिन सेल्स की ज़रूरत के बाहर और अपने शरीर के कंट्रोल के बाहर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ जिसे कहते हैं, उसी चीज़ को कैंसर कहते हैं। बेसिकली वो सेल्स कोई काम करते नहीं है और जो अन्य काम करने वाले लोग हैं, सेल्स हैं, उन्हें काम नहीं करने देते हैं। इन्हीं को, इसी चीज को कैंसर कहा जाता है। तो अपने शरीर में विभिन्न प्रकार ऑर्गन्स हैं, विभिन्न सिस्टम्स हैं, उनमें कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। सो बेसिकली अभी तक हमें जितना मालूम है उसमें 200 से अधिक प्रकार के हमें कैंसर हो सकते हैं। तो कैंसर कोई बाहर से आने वाली बीमारी नहीं है, जैसे मलेरिया या डेंगू हो जो मच्छर के काटने से होती है। ये अपने शरीर में ही निर्मित है, बट सिर्फ उनका कंट्रोल चला गया है। सर जिस तरीके से आपने कहा कि कहीं ना कहीं कैंसर हमारे अंदर अंदरूनी एक बीमारी है, मतलब सेल्स के नियंत्रण खो जाने से कहीं ना कहीं होता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इसका मुख्य एक स्पेसिफिक कारण क्या होता है कि कैंसर इसी वजह से होता है? मैम, अगर आप 200 में से ना 100 से ज्यादा कैंसर का मुख्य कारण तंबाकू है। तंबाकू, दारू का सेवन, अल्कोहल कंजम्पशन जिसे कहते हैं, ये एक मुख्य कारण है। बेसिकली हम ऐसा नहीं होता है कि कंट्रोल ऑल ऑफ अ सडन चला गया। ये कंट्रोल जाने के लिए धीरे 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 स्टेप वाइज प्रोसेस होती है, जिसमें आपके कंटिन्यूस तंबाकू का सेवन, आपके दारू का सेवन और जो अपनी लाइफस्टाइल है उसका पाश्चात्यकरण या वेस्टर्नाइजेशन जो बोलते हैं, जिसमें हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, हम रेड मीट ज़्यादा खाने लगे हैं, ये सब कैंसर के मुख्य कारण बनते हैं। पर बहुत बार हमें तंबाकू खाने वालों से ये सवाल आता है कि सर मैं तो उनको जानता हूँ जो 10 साल से तंबाकू खा रहे हैं, उन्हें नहीं हो गया, मैंने तो 6 साल खाया था, मुझे क्यों हो गया? तो ऐसा नहीं है कि इतने साल तंबाकू खाने के बाद ही कैंसर होता है। आप कितना तंबाकू खाते हो दिन में, उसे किस प्रकार से खाते हो, आपके शरीर का नियंत्रण, बहुत से अन्य चीज होते हैं, बट ये वन ऑफ द मुख्य कारण ऑफ कैंसर है। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तंबाकू या फिर ऐसे किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कैंसर की एक वजह बन सकती है, और यही कैंसर की मुख्य वजह है। हाँ, मुख्य वजह भी हम कह सकते हैं। सर जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आप मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है? मैडम, कोई भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए 3 प्रकार के स्पेशलिटीज यूज होते हैं। एक मेडिकल ऑन्कोलॉजी जो कीमोथेरेपी और ट्रीटमेंट से रिलेट करते हैं,
एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजी जो ऑपरेशन या सर्जरी से रिलेट करते हैं, और तीसरे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जो रेडिएशन के द्वारा कैंसर ठीक करते हैं। तो कोई भी कैंसर ट्रीट करने के लिए हमें इन तीनों विभागों से सहमति पानी पड़ती है। तो कोई भी जैसे HCG कैंसर में कोई भी पेशेंट आता है तो हम तीनों मिल के साथ में बैठते हैं, फिर डिस्कस करते हैं कि इसे किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाए, जैसे ट्यूमर बोर्ड कहते हैं या मल्टी डिसिप्लिनरी ट्यूमर बोर्ड कहते हैं, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट डिसाइड हुआ जाता है। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजी बेसिकली कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की ब्रांच है जो इन सब ट्रीटमेंटों में विश्वास करती है। मतलब किसी भी कैंसर के पेशेंट को तीन ब्रांचेस, ये तीनों मिलके सारी चीजें डिसाइड करते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए, और उसके बाद से एक निष्कर्ष निकाला जाता है कि इस वे में जो है वो ट्रीटमेंट होनी चाहिए। सर, हम लोग बहुत बार कैंसर की ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी, इस थेरेपी के बारे में बहुत बार सुनते हैं। तो मुझे आपसे ये सवाल था कि कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो एक और वर्ड है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ये आखिर क्या है। मैम बेसिकली ना, जैसे अगर हम मलेरिया को ट्रीट करते हैं तो हम एंटी मलेरियल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उन दवाइयों को एंटी मलेरियल्स कहा जाता है। वैसे ही कैंसर में उपयुक्त होने वाली जो दवाइयां हैं उनके ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी कहा जाता है। कीमोथेरेपी ऐसी कोई एक विशेष दवाई नहीं है, ये इतने सारे प्रकार के कैंसर हैं उनमें अलग अलग प्रकार की दवाइयां यूज की जाती हैं, उन सबको एक नाम रखा गया है, वो है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी सलाइन द्वारा दी जाती है, गोलियां भी होती हैं, अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट में डिवाइस किया जाता है। तो ये आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार की कीमोथेरेपी देनी है, कौन से दवाइयां हैं, और जैसे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की दवाइयां हैं वैसे वैसे विभिन्न उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इम्यूनोथेरेपी आपके बॉडी के इम्यून सिस्टम्स को कैंसर से लड़ने के लिए प्रवृत्त करने वाली थेरेपी को, एक सिंपल शब्दों में कहा गया तो आपके बॉडी के इम्यून सेल्स कैंसर से जाके लड़े, इस चीज को जो करने वाली है वो है इम्यूनोथेरेपी। सर, जिस तरीके से आपने कहा कि कुछ चीज़ों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होना भी जरूरी है, मतलब होते ही है बहुत बार। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये दोनों थेरेपी अगर किसी ने ले ली तो इसके बाद इसके क्या साइड इफेक्ट्स कई ज्यादा मात्रा में है, और है तो किस प्रकार से? मैडम जैसे कि मैंने कहा कि बहुत प्रकार की कीमोथेरेपीज हैं, जैसे बहुत दवाइयां उनमें यूज की जाती हैं, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी हर चीज में अलग अलग होते हैं। बहुत सारे कीमोथेरेपीज के ये साइड इफेक्ट होते हैं कि हाँ बाल जाते हैं पर ये बाल वापस भी आ जाते हैं। यही हमारे यहाँ पे आने वाले अधिकतम लोगों का ये होता है कि हमने सुना है कि कीमोथेरेपी के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं, इसे ना लेना बेहतर है। तो निश्चित आपके डॉक्टर जो कह रहे हैं उसका कारण है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं मालूम है, पर ये आपको जरूरी है। और इन साइड इफेक्ट्स को कैसे बचा जाए और या इसे कैसे कम किया जाए, इसके लिए आप अपने डॉक्टर से जरूर विचार विमर्श कीजिए। वो आपको समझा के बताएंगे कि इनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसे कैसे बचा जाए। बेसिकली साइड इफेक्ट्स होते हैं पर वो इतना नहीं है जो कि बेनिफिट्स से ज्यादा है। तो जब भी आपके डॉक्टर से आप वो आपको कीमोथेरेपी के बारे में समझाएंगे, वो आपको कहेंगे कि इनके रिस्क बेनिफिट एनालिसिस क्या है, मतलब इनके कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, जिसके तौर पर आपके इन कीमोथेरेपी डिसाइड की जाए। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स में उल्टियाँ, बुखार आना या बाल जाना ये सब है, पर आजकल नए दौर में जैसे जो इम्यूनोथेरेपी आई है उनके साइड इफेक्ट्स बेहद नेग्लिजिबल के आसपास है। मतलब हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं भले इसके साइड इफेक्ट्स हैं पर इनको इनके ऊपर उपाय भी है, मतलब इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है जितना लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से कि कीमोथेरेपी ले ली तो उसके बाद बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमको झेलने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कीमोथेरेपी ली जा सकती है, थोड़े से साइड इफेक्ट्स है जो अगर डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए तो वो आसानी से उन्हें ठीक किया जा सकता है। सर, मैं आपसे जानना चाहती थी कि टारगेटेड थेरेपी ये जो होता है ये क्या होता है? मैम इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी ये जो नए दौर की दवाइयां हैं, बेसिकली मैं कह सकता हूँ इनसे कैंसर ट्रीटमेंट करने बहुत सुलभ हो गया है। टारगेटेड थेरेपीज बेसिकली कई प्रकार की गोलियां हैं जो कि कैंसर के एक विशिष्ट प्रकार के म्यूटेशन को टारगेट करते हैं,
जिनसे बाकी के नॉर्मल सेल्स जो इफेक्ट नहीं होते हैं, इन कारण से इनके साइड इफेक्ट्स और बहुत कम होते हैं। ये टैबलेट द्वारा दी जा सकती है। जैसे लंग कैंसर में कई प्रकार की टारगेटेड थेरेपी है जिसके लिए आपके डॉक्टर जांच कराएंगे, और इन जांचों के बाद सिर्फ गोलियों से, मतलब हमारे पास ऐसे कई पेशेंट हैं जो दिन की एक गोली लेते हैं और सालों साल अच्छे चल रहे हैं, तो ये डायबिटीज या बीपी ट्रीट करने जैसा ही हो गया है। ओके, तो मतलब ये सारी चीजें हैं। पर सिर्फ ऐसा भी है कि कैंसर में कीमोथेरेपी और रेडियोलॉजी, ये जो रेडिएशन वाला थेरेपी है, इन दोनों का जिक्र किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती थी कि इन दोनों में बेहतर अगर किसी को एक कुछ ना जाए तो किसे कहेंगे आप? मैडम, ऐसा नहीं है कि कोई एक बेहतर है या एक बुरा है। बेसिकली हर एक कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए जो एक विशिष्ट प्रकार की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी होती है जो कि प्री डिसाइडेड होती है। तो आपके कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाए ये आपके डॉक्टर बताएंगे कि आप में पहले सर्जरी लगेगी या पहले कीमोथेरेपी, लगने के बाद सर्जरी होगी या फिर सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी होगी। ये परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन या मतलब आगे पीछे होना, ये इसीलिए है क्योंकि आपको अभी आपके लिए क्या बेहतर होगा ये आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करने के बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर्जरी ज़्यादा अच्छी है, कीमोथेरेपी बुरा है, या कीमोथेरेपी अच्छी है और रेडिएशन बुरा है। हर कैंसर के लिए, हर स्टेज के लिए ट्रीटमेंट में अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट होती है, तो सबका उपयुक्त मतलब अप्रोप्रिएट यूज़ ही बेहतर रहेगा। मतलब जिस तरीके से उसका यूज़ है, और मतलब कीमोथेरेपी का भी अपने अच्छे इफेक्ट से, वही रेडिएशन थेरेपी के भी कहीं ना कहीं अपने अच्छे इफेक्ट है, और दोनों भी अपनी अपनी जगह बहुत ही बेहतर है। अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। सर, जिस तरीके से हम कैंसर के लक्षणों की बात करते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, और अगर किसी को कैंसर के लक्षण दिखाई देते हैं तो इनका निवारण किस तरीके से किया जाता है? मैम, हर एक कैंसर, जैसे मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है कि एक दो दिन में हमें कैंसर हो गया। हमें सिर्फ उसके लक्षण देखने में और उसके लक्षण पहचानने में हमारे से देरी हो गई है। तो हर एक कैंसर पहले से आपको लक्षण दिखाता रहता है। ज़रूरत है कि आप उसके प्रति जागरूक रहें और अपने डॉक्टर से सलाह विमर्श करें। बहुत बार ऐसा होता है कि औरतें हमारे पास आती हैं कि पेट में पानी बन गया है और हम उन्हें बताते हैं कैंसर, तो वो बताते हैं कि ये तो पानी बनना तो 15 दिन पहले हुआ था। पर ऐसा नहीं है, उनको पेट में तकलीफ, उनको ये 6 महीने से चलती आ रही है जिसको नज़रअंदाज किया है। तो और ऐसा है कि जैसे मैंने कहा कि सर के बाल से पैरों के नाखून तक हर चीज का कैंसर हो सकता है, तो उसी के प्रकार हर एक के लक्षण अलग अलग होते हैं। जो भी लक्षण आपके निवारण नहीं हो रहे हैं, कई दिनों से चलते आ रहे हैं, जिस पर आप नजरअंदाज करते रह जा रहे हैं, तो मेरा सिर्फ यही कहना होगा एक बार आपके डॉक्टर से जाके पूछ ले ये कि क्या ये कैंसर हो सकता है, ये क्या है, ये क्यों मेरे लक्षण ठीक नहीं हो रहे हैं। अगर हमारे में जागरूकता आ गई तो डेफिनेटली कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा होगा, हम कैंसर को पहले स्टेजेस में पकड़ सकते हैं और इससे आगे जाके आपको ट्रीटमेंट कराने में आसानी होगी। जिस तरीके से सर ने कहा कि सर से लेकर पांव तक हर चीज का कैंसर हो सकता है, और इसके अलग अलग लक्षण है, और कहीं ना कहीं इन लक्षणों को नजरअंदाज करना हमें बेहद भारी पड़ सकता है आने वाले समय में, जिससे एक कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम होने की संभावनाएं ज्यादा है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कैंसर इससे बचाव होने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीजें हैं, जो सिंपल सिंपल चीजें हैं उनका अगर हम लोग डेली लाइफ में अप्लाई कर ले उन्हें, उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं कैंसर से थोड़ी बहुत राहत पा सकते हैं, इसके बारे में जानना चाहती हूँ सर। मैडम, सबसे पहला और ज़रूरी, स्पेशली विदर्भ एमपी और इन एरियाज के लिए है कि तंबाकू का सेवन बंद करें, क्योंकि यही मुख्य कारण है हमारे एरिया में इतना बढ़ते हुए कैंसर होने के लिए। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी चले जाओ तो 15-20 साल के लड़के भी मुंह में तंबाकू लिए घूमते रहते हैं या फिर सिगरेट स्मोक करते रहते हैं। तो इन सब चीज़ें, ये तो हमें मालूम है कि आगे जाके परेशानी देने वाली है, सिर्फ हम आज के फायदे के लिए कल का नुकसान कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नियमित रूप से खाना खाना, खाने में ज़्यादा रेड मीट का प्रयोग ना करना, मतलब मटन या बीफ का ज़्यादा प्रयोग ना करना, और इसी के चलते कुछ व्यायाम करना, ये सब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है।
सर, जिस तरीके से आपने कहा तंबाकू और सिगरेट का सेवन, कहीं ना कहीं आजकल ना ये स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है कि अगर आप स्मोक करते हो तो आप काफी ज्यादा मतलब स्टाइलिश हो, खुद को प्रूव करने के लिए कि बा हम मॉडर्न है, लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, पर यूथ को इस चीज का पता ही नहीं होता है कि जितना वो स्मोकिंग या इसकी तरफ डाइवर्ट हो रही है उतना ही वो खुद को खतरे में डाल रहे हैं, कैंसर मतलब उनको हो सकता है। इस चीज का मतलब मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी यूथ्स हैं उन्हें एक मैसेज दें कि इन सारी चीजों से जितना हो सके उतना बचा जाए। एग्जैक्टली इन सब और स्पेशली स्टाइल स्टेटमेंट तो बहुत ये है, पर जो जैसे खर्रा खाते हैं, हर नुक्कड़ में एक खर्रे की दुकान होती है जो वो खर्रा खाते रहते हैं, और इससे ना खर्रा या जो तंबाकू खाते हैं इससे कैंसर की उम्र धीरे धीरे घटती जा रही है। पहले हम देखते थे 50-60 के सालों में कैंसर होते थे, आजकल हमें देखने को आ रहे हैं 25-30 साल के बच्चे कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि 15 साल से ही तंबाकू खाना शुरू कर दिया था या खर्रा खाना शुरू कर दिया था। तो इन सब चीज़ों से बचे। दूसरा, इसमें अगर दारू सेवन मतलब अल्कोहल इसमें अगर जोड़ दिया गया तो एक ये ज़्यादा डेंजरस कॉकटेल हो जाता है, जिसके कारण आपकी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ना सिर्फ यही ना छोड़े, साथ साथ अगर आप दारू पी रहे हैं तो प्लीज उसे भी छोड़िएगा। सर, कहीं ना कहीं हम लोग ये भी देखते हैं कि जितने पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनका भी कैंसर को लेकर कहीं ना कहीं खतरा बढ़ जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं फिर भी उनका कैंसर का खतरा किस तरीके से बढ़ जाता है, इस बारे में? मैम, पैसिव स्मोकिंग बहुत बार क्या होता है कि हम एक क्लोज्ड रूम है जहाँ पे एक जन स्मोकिंग कर रहा है तो बाकी के सब लोग वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, तो अगर ये काफी दिनों तक चलता आ रहा है तो ये भी स्मोकिंग के इक्विवेलेंट है। हालांकि दिस इज मतलब स्मोकिंग के कंपैरिजन में ये बहुत कम है, बट आप आपने खुद को अननेसेसरी रिस्क में डाले हैं। तो अगर स्पेशली ओपन जगह में तो इतना आप ये नहीं कर सकते हो, पर क्लोज रूम में आपका कोई स्मोकिंग कर रहा है तो प्लीज उसे बोलिए, या गाड़ी में कोई स्मोकिंग कर रहा है तो प्लीज उसे बोलिए कि आप अपनी जान खतरे में डालिए पर मेरी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी का फ्रेंड है या मतलब है कोई घर का वगैरह और वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसे भी स्मोकिंग करने के लिए मना करें और खुद भी स्मोकिंग ना करें, मतलब एक साथ दो जाने भी बच सकती है। Yes. तो स्मोकिंग सिर्फ आपको नहीं, आपके जितने भी रिश्तेदार या आपके फ्रेंड्स है इनको भी खतरे में डालता है, तो ये गलती ना करें, खुद की जान को भी खतरे में ना डालें, वही दूसरे की जान को भी खतरे में ना डालें। सर, कैंसर को लेके बहुत सारी, जिस तरीके से मैंने कहा था शुरुआती इसमें कि बहुत लोग डरते हैं कैंसर को लेके, मतलब बहुत बार उनको लगता है कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो इसके बाद इससे जंग जीत पाना बेहद ही मुश्किल है। मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल यही करना चाहती हूँ कि आप हमारी जनता को इस बारे में क्या बताएंगे? बेशक जैसे मैंने पहले कहा कि कैंसर ना आपको लक्षण दिखाता रहता है, सिर्फ हम वो छाला, वो गांठ या वो तकलीफ को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हमें तो कैंसर नहीं हो सकता। वो हमने बेहद देखा है कि बाजू वाले लोगों को हुआ है पर हमें ऐसा लगता है कि हम अमर हैं। ठीक है, यही बात को नज़रअंदाज ना करें, आपके डॉक्टर को जाके दिखाएं, और कैंसर अर्ली स्टेजेस में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है और ये जंग हमेशा जीत सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम तीसरे चौथे स्टेज तक वेट करते रहते हैं जब ये काफी बढ़ जाता है और जंग और मुश्किल हो जाती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके साथ जितने भी आज हमने यहाँ पे बात की और बहुत सारी चीजें जो कैंसर से जुड़ी थी उनके बारे में आपने बताया, भाई कीमोथेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, इन सारी चीजों में आपने डिफ्रेंसिएशन बताया, उनके अलग अलग फायदे बताए, साथ ही आज इस तरीके से आपने बताया कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं अच्छे इफेक्ट्स है तो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स भी रहेंगे, पर इन साइड इफेक्ट्स का जो है निवारण हो सकता है, इसलिए इन सारी चीजों से कभी भी डरे ना, साथ ही कैंसर से भी डरना हमें नहीं चाहिए क्योंकि ये जंग जितनी मुश्किल दिखती है उसको आसानी से हम पार कर सकते हैं डॉक्टर के प्रॉपर कंसल्टेंट से। तो आज के हमारे इस doctors.com में फिलहाल इतना ही। SCG कैंसर हॉस्पिटल से जैसे मैंने बताया कि समय समय पर हम वहाँ के डॉक्टर से बातचीत करते रहते हैं, वो हमारे कैंसर से जुड़े या फिर कैंसर से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं उसका निवारण करते हैं। तो आज ही इसी श्रृंखला में सर हमारे साथ थे, फिर एक बार सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
और doctors.com के आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए BCN News। नमस्कार।